तो चलो यार तैयार हो जाओ पावर स्टार के एक और धमाके को देखने और सुनने के लिए। उससे पहले जानकारी आपको दे देते हैं, आज एक गाना रिलीज हुआ जिस गाने का नाम है प्रखंड हो चाहे जिला बबुआने से हिला, काफी हिट गाना है। इसके पहले भी काफी ये गाना सिंगर लोग गा चुके हैं, तो लोगों का कहना है कि पवन सिंह इसको चोरी करके गाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके जो मेन सिंगर थे उनको क्रेडिट बराबर दिया गया है, आप लोग इस गाने के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल गाना रिलीज हो चुका है, गाने के काफी अच्छे रिस्पॉन्स है, इस गाने के अभी तक 1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। तो गाना आप लोगों को भी काफी पसंद आने वाला है, एक बार आप लोग जाके इस गाने को जरूर सुनिएगा सुर म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे। सुन चुके हैं तो कमेंट करके बताइए आपको ये गाना कैसा लगा है। इसी के साथ दोस्तों पवन सिंह का एक ब्लॉकबस्टर हिट सॉन्ग आ रहा है, एक लेजेंडरी सॉन्ग ये होने वाला है, उसका रीमेक होने वाला है, जिस गाने का नाम था कजरा मोहब्बत वाला अंखियों में ऐसे डाला। ये जो है बहुत पुराना गाना था, आप लोगों ने भी सुना होगा, बचपन से आप लोग सुनते चले आए होंगे। तो इस गाने का पवन सिंह रीमेक लेके आ रहे हैं सारे गामा हम भोजपुरी चैनल के द्वारा। गाने में काम करिए, अगर टीम के बारे में बात करें तो पवन सिंह के साथ में शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है और इस गाने को लिखे हैं सोहन तिवारी और म्यूजिक जो है प्रियांशु सिंह का है। गाने में काम कर रही एक्ट्रेस का नाम है सुभा श्रीकर और ये एक्ट्रेस का नाम भाई हम पहली बार सुन रहे हैं, तो यही एक्ट्रेस इस गाने में नजर आने वाली है। गाने का अभी फर्स्ट लुक आउट किया गया है, इस गाने का टीजर आएगा और उसके बाद अनाउंसमेंट होगा कि ये गाना कब आप मूवीज में रिलीज हो रहा है। फिलहाल इस सॉन्ग का इवेंट भी रखा जाना है, तो थोड़ा प्लानिंग के साथ ही इस गाने को रिलीज किया जाएगा, 3 से 4 दिनों का वक्त लगेगा। लेकिन इसी वीक आपको ये लेजेंडरी रीमेक सॉन्ग सुनने को मिलेगा पवन सिंह की आवाज में, जो कि काफी हिट गाना पहले भी था और भाई अब पवन सिंह ला रहे हैं तो गाना हिट होना ही है। और सारे गामा जैसी कंपनी हो तो ना तो वो ट्रेंडिंग को छोड़ती है और ना तो व्यूज के मामले में किसी भी तरीके से पीछे होती है। तो आप लोग इस गाने के इंतजार कीजिए और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करिए।